अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडिजोन। हम शॉपिफाई सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है लोकेशंस। यानी शॉपिफाई के अंदर हम अपनी लोकेशंस को कैसे सेट कर सकते हैं, लोकेशंस को ऐड कैसे कर सकते हैं। आए जी, बगैर टाइम जाए कि चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉपिफाई लोकेशन जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो कैसे एक्सप्लेन करता है। लोकेशन की डेफिनेशन में शॉपिफाई कहता है, लोकेशन इज एन फिजिकल प्लेस। लोकेशन एक फिजिकल जगह है और या एन एप्लीकेशन या एप्लीकेशन है, वे यू डू एनी, जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज लाइक, उस लोकेशन में आप सेल प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं और ऑर्डर को फुलफिलमेंट कर सकते हैं, और स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने स्टोर की तरफ। हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स से हम चलेंगे लोकेशंस में। ये है जिसका लोकेशन का इंटरफेस। कह रहा है कि यू आर यूजिंग 2 out of 1000 लोकेशंस अवेलेबल ऑन योर प्लान, सॉरी अवेलेबल ऑन योर प्लान। इसको हम कंपेयर प्लान चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी प्लान के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इसके तीन प्लान है जी, बेसिक, शॉपिफाई एडवांस। तीनों में जो लोकेशंस की ऑप्शन है वो सेम है। ये देखें, up to 1000 लोकेशंस, up to 1000 लोकेशंस, up to 1000 लोकेशन। लिहाजा प्लान के हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कोई भी प्लान हो, हमें जो शॉपिफाई लोकेशंस के ऑप्शन देता है वो तीनों की सेम देता है। दोबारा हम सेटिंग्स में जाएंगे, लोकेशंस में जाएंगे। अब हम अपनी कोई एक लोकेशन ऑन करेंगे, ये हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। हम बैक जाएंगे, हम ऐड लोकेशन करेंगे। हमने ऐड लोकेशन किया, यहाँ पे हम उसे बताएंगे जी, फर्ज करें हम करते हैं यहाँ पे कराची, ये हमारा एक वेयर हाउस कराची में है। ये हमने लोकेशन नेम रख दिया। अब जी कंट्री हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। एड्रेस में हम लिखते हैं औरंगी, सॉरी ये है उसने, चूंकि मेरे पास एड्रेस नहीं है, जस्ट मैं एक टेम्प्रेरी एड्रेस दे रहा हूँ। औरंगी टाउन, अपार्टमेंट 9, ये कराची है और पोस्टल कोड इसका 7480। ये है जी फोन नंबर, फिलहाल इसमें नहीं देंगे जी, इसको हम सेव करेंगे। ये उसने कराची के नाम की, ये उसने हमारी एक लोकेशन ऐड कर दी। मींस हमने शॉपिफाई को बताया है कि हमारा एक वेयर हाउस कराची के अंदर है, ठीक है। ये एक सिंपल सा इसमें इसका प्रोसीजर है। और फर्दर इसमें क्या है जी, ये आप जैसे कि इसने अपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि लोकेशन क्या है, आपका फिजिकल एड्रेस है या एड्रेस या आपका फिजिकल वेयर हाउस या आपकी एप्लीकेशन, तो ये मैंने सीजे ड्रॉप शिपिंग किया हुआ है, ये उसकी ऐप को भी हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। फर्दर इसमें ये है कि फर्ज करें कि ये लोकेशन हमसे गलत बन गई है, हम इस लोकेशन को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। कैसे, लोकेशन पे क्लिक करेंगे, वो हमें नीचे ले आएगा, डीएक्टिवेट लोकेशन, ये इसकी ऑप्शन है, डीएक्टिवेट लोकेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिवेट लोकेशन हो जाएगी, हो गई। अब हमें ये डीएक्टिवेट कर देगा, हम फर्दर इसको कहते हैं जी डिलीट लोकेशन, इस लोकेशन को आप डिलीट कर दो, तो ये डिलीट लोकेशन हो जाएगी। ये हम यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारी लोकेशन डिलीट हो गई है। उसके बाद हमें शॉपिफाई को ये बताना पड़ता है कि हमारी डिफॉल्ट लोकेशन कौन सी है, वो लोकेशन जहाँ पे आपके ऑर्डर आएंगे या जहाँ पे आप ऑर्डर फुलफिल करेंगे। ये मेरी ये लोकेशन माय फर्स्ट स्टोर, ये मैंने बाय डिफॉल्ट की हुई है। ये डिफॉल्ट लोकेशन की ऑप्शन यहाँ पे है, चेंज डिफॉल्ट लोकेशन, यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन करेंगे, वो सारी लोकेशन हमें बता देगा। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं उसे कहता हूँ माई फर्स्ट स्टोर, इसको सेव कर दो और इसको एज ए, ये देखिए उसने डिफॉल्ट लोकेशन मेरी चेंज कर दी। हम इसको एज दोबारा इसको अपनी जो पहले लोकेशन थी वो इसको दे देते हैं। ये आ गया, ये सेव हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब मेरी जो एक्चुअल लोकेशन पहले मैंने दी हुई थी वही बाय डिफॉल्ट में आ गई जी। तो आज हमने इतना भी ये सीखा है, इसको मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक था शॉपिफाई की लोकेशन। सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे लोकेशंस की ऑप्शन है, लोकेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी 2 लोकेशन है, ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पे फिर ऐड लोकेशन करेंगे, ऐड लोकेशन करके सारी इसकी इन्फॉर्मेशन फिल करके हम दोबारा से इसको सेव कर लेंगे। और इसके बाद हमने ये देखा कि हम जो लोकेशन हमने ऐड की है उसको हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये था जी आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट्स जरूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।